have started your business 5% time. How this idea came in your mind? Because in the first year, you must be totally different. So what are the things came to your mind to start the business? So initially, situation kaisa tha na ki hostel se transport bahut difficult tha. So bheed itna hota tha na ki 5 rupaye ki bus mein ki bhai matlab kabhi kabhar aadha aadha 2 ghante wait karne ki bus ke liye. ठीक है तो वो feasible नहीं था. दूसरे auto वाले ठीक है ऑटो वाले 10 किलोमीटर के रेंज के लिए वो आपसे लेते थे 200 रुपये. अच्छा ठीक है तो वो चीज एक बहुत हमें एज अ चैलेंज लगा कि हम लोग खुद जब हम लोग को शॉपिंग करने जाना होता है तो कुछ भी करने जाना तो वो सब चैलेंजेस आते ही थे तो इसीलिए. और उसके बाद जो नेसेसिटी लगा हमें बाइक की. और ऐसा नहीं कि हम लोग एनालाइज की मार्केट को कर बाइक चाहिए नहीं. ठीक है जो होते रहा हम लोग के साथ जो चीज जमते रहा उसी चीज के साथ हम ऑन फ्लो हमने इस चीज को स्टार्ट किया. तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैं बाहर गया. बाहर एज इन डे ऑर्डर हुआ बाहर घर लेके हम लोग रेंटल बेसिस पे रहने लगे. मेरे साथ रूममेट्स भी थे. एक रूममेट के पास FZ थी और कुछ महीनों बाद मैंने भी प्लैटिना लिया. तो प्लैटिना लिया उसके बाद हम लोग ने प्लैटिना एक्चुअली शेयर बेसिस पे लिया. हम तीन जन मिला के लिए थे. तो बात हो गया पैसे मैंने दिए लेकिन तीन जन मिला के दिए मिला के लेने वाले थे. तो सिचुएशन ऐसा हो रहा था कि मैं पहले पैसे दे देता हूँ फिर वो लोग मेरे को बाद में देंगे. ठीक है मैं वेट किया 2 महीना 3 महीना 4 महीना वेट किया. तो एक बंदे ने मेरे को बोला भाई मैं नहीं दे पाऊंगा. प्लैटिना था बस 10,000 का 3,000 3,000 3,000. बट सिचुएशन ऐसे हो जाते थे कि यार ऐसे खर्चे बहुत है. हम लोग हॉस्टल से बाहर निकले इसलिए क्योंकि हम लोग हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है वैसा सिचुएशन होता था. तो उसने बोला भाई मैं नहीं दे पाऊंगा. तो मैंने किया कि भाई अब तो प्लैटिना में बेच रहा हूँ ठीक मेरे को भी घर में जवाब देना होता है. तो उसके पास FZ था. तो वो ना मतलब ओपन दिल का था. दिल उसका मतलब खुला था. ठीक है मतलब कोई भी मांगेगा वो दे देगा कि चल ठीक है तू ले जा मेरा भाई आराम से शाम को लाके दे. मतलब खुला तो वैसे ही ना. तो इस चीज से हम समझ आता था कि हाँ भाई जरूरत है लोगों को. जूनियर से लेके सीनियर से लेके सबको हॉस्टल्स में सबको जरूरत है बाइक की एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है फिर वो देने लगा देता था अपने दोस्तों को. फिर उसके दो ही दोस्त थे जो गए और दे मेट विद एन एक्सीडेंट. सो एक्सीडेंट होने के बाद इतना लॉस हुआ उनका. इतना लॉस उसका हुआ नियरली 7,000 to 8,000 रुपीज उसने पे कर दिया. ठीक है 7,000 to 8,000 रुपीज उसने पे किया जिसमें से जिस दोस्त ने एक्सीडेंट किया था उसने 3,000 to 4,000 दिया. ठीक है तो उस चीज से हमारा दिमाग भटक गया कि भाई नीड बहुत है. एक्सीडेंट करना है तो लोग उसके पैसे भी दे रहे ठीक है क्यों ना इस चीज को एज अ बिजनेस हम लोग सोचे. ठीक है बाइक्स देंगे अपने दोस्तों को देंगे लेकिन ऑन अ रेंटल बेसिस. ठीक है तो ऐसे स्टार्ट किया हमने. तो हमारे एक दोस्त के पास CBZ था. CBZ का कंडीशन ऐसा कि हेडलाइट नहीं है हिल रहा है चेन निकल जाता है. ठीक है बस चलता है गाड़ी चलती मिलती गाड़ी लेकिन कुछ है नहीं. तो हम लोग ऐसे बैठे तो दोस्त के पास CBZ था. जल्दी से मैंने पेपर में एक ड्राफ्ट में मैंने एक लोगो तैयार किया जिसमें बाइक था और उसमें तो बाइक का सट्टा लोगो भी था सब कुछ. फिर क्या हुआ ना तो CBZ था तो CBZ हमने सोचा बैठ के सोचे कि ऐसे चला. तो हम लोग तब 30 rupees पर आवर से अपना CBZ देते थे और लिटरली उस खटारे बाइक को लोग ले जाने के लिए रेडी थे और 30 rupees देने के लिए रेडी है. लोग 5 घंटा चला के लेके आ रहे थे और पेइंग अस 150 rupees फॉर 5 hours. खटारा उनको कोई फर्क नहीं क्योंकि वो लोग 150 rupees में वहां तक घूम के आ जाते थे जहाँ उनको नॉर्मल कैब बस से तो ऑफिस से जाते लेकिन टाइम ज्यादा लगता था. नॉर्मल कैब में लोग 2,000 खर्चा कर लेते हैं. ठीक है एक नॉर्मल जगह मान लो एक बीच हम लोग के घर से 40 किलोमीटर के रेंज पे उधर जाना है तो
आना जाना 2 लीटर के पेट्रोल पे 2 लीटर पेट्रोल होता है गा, ठीक है 80 plus 80 160 160 plus 150 कितना होता है 300 310 320 ठीक है। सोचो वो लोग नॉर्मल कैब करेंगे तो 400 जाना 500 आना 900 रुपीज उससे तो अच्छा ही है ना कि भाई हम लोग रेंटल की खटारे भाई की ले जाए ठीक है। तो ठीक है फिर मेरा जो दोस्त था जो स्टार्ट था स्टार्ट एक खटारा भाई से किया खटारा भाई सोचा नहीं सोचा कब ऐसा कभी दिमाग सोचा है दिमाग में आया कि भाई क्वालिटी देना बच्चे हैं तो बच्चे हैं ऐसा सोच ही नहीं कि भाई क्वालिटी देना हां। फिर मेरा जो पार्टनर था सौरभ पांडे तो उसने एक वो अपने एक दोस्त के साथ बात करता था इसके बारे में कि नहीं इसको एक स्केल अप करना इस चीज को। अच्छा तेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इसको एकदम फ्यूचर में स्केल अप करें? इसको फ्यूचर में करने का स्केल अप तो था ठीक है। अगर मैं बोलूँ ना कि भाई अगले महीने हम लोग और 2 गाड़ी उतारेंगे ठीक है वो बोलता नहीं नहीं 4 गाड़ी उतारेंगे अपने दोनों में एक चीज बहुत म्यूचुअल था ना कि हम लोग रिस्क लेने से नहीं डरते पैसे का नहीं सोचते जहाँ लगना लगना है जहाँ आना है उधर आना है ठीक है। सोचने में थोड़ी पैसे जा रहे हैं। मैं अगर बोलता हूँ कि अगले महीने 2 गाड़ी लेंगे ठीक है आई एम ऑब्वियसली नॉट थिंकिंग अबाउट मनी दैट इज आवर टारगेट कि हमें लाना है बाय हुक और बाय क्रूक हमें लाना है तो एटलीस्ट 2 का सोचेंगे तो 1 तो आना ही है ना 2 का सोच रहे 2 के लिए काम करेंगे कुछ भी अपने को जाते हैं तो 1 बाइक का पैसा लॉस हो जाएगा दूसरे बाइक से तो दूसरा बाइक ही आ रहा है ना और हम लोग इस मतलब तब कुछ भी एक्विजिशन में नहीं बस 80 गाड़ी जा रही है खटारा वाली ठीक है। लेकिन हम लोग ने प्लान आउट ऐसे कर लिया ना कि हमारे पास प्रॉफिट भी आ रहा है हम लोग उसका रिपे भी कर रहे हैं मनी ठीक है और जो ओन बाइक से वो हमारे पास है। अब ये जो प्लान बना रहे हैं मतलब जो तुमने बोला कि मैंने प्लान आउट ऐसे वैसे किया था कि हमें प्रॉफिट भी आ जाए जो भी देखते हैं वो देख भी हमारा रिपेयर हो जाए पूरा का पूरा चले जाए तो ये कैसा प्लान था और प्लान बनाने के लिए तुमको कितना टाइम लगा तुम लोगों ने सोचना कैसे शुरू किया प्लान बनाना देखो प्लान हमेशा ना हमारा प्लान को भी ऐसा रहा नहीं है मतलब ऐसा सब है कि मैं रात को सोच रहा हूँ सुबह एग्जीक्यूट हो गया मतलब ड्यूरेशन वैसा कुछ नहीं है जो प्लान मैंने कैलकुलेटिव प्लान बनाया ना कि एक पेपर पर लिख कैलकुलेशन किया कि हाँ इतने बाइक्स रहेंगे इतना पैसा आएगा इतना इतना आएगा तो सब पेपर में स्प्रेड था पेपर में लिखा मैंने पेपर में हम लोग कैलकुलेट किए कि इतना अगर आता है इतना अगर जाता है लेकिन सब कुछ वर्चुअल है कुछ भी अभी रियलिटी में है नहीं। हमारा हमारा मेन टास्क था कि इस वर्चुअल प्लान को एक एक्चुअल प्लान में कन्वर्ट करना एक्चुएट करना एग्जीक्यूट करना तो उस हिसाब से हमने उससे 40,000 किए जिस शाम को 40,000 थे उसी शाम को हम लोग जाके बाइक्स खरीदी एक एक्सेस एक स्कूटी और एक एसएलआर और मान लो कि ऐसा ऐसे हुआ ना स्टार्टिंग फेज में हम लोग एक गाड़ी एसएलआर हम लोग शाम को लेके आए और 2 दिन बाद बेच डाले उसको। अच्छा ठीक है आई वुड लाइक टू कट यू ओवर हियर कि अभी हम जब स्टार्ट कर दे रहे तो बहुत सारे हमारे माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें ऑफिस बनाना है एम्प्लॉइज वगैरह ये सारा कुछ करना है तो बाइकर्स अड्डा को ऑफिस कहां था और वो ऑफिस कैसे बना बाइकर्स अड्डा जैसे हमने बोला कि वो एक अड्डा है अड्डा हम लोग अपने घर को बोलते हैं कुछ भी ऐसे दिमाग में था ही नहीं बात के लिए था कि अगर इसको बहुत ज्यादा स्केल अप करते हैं तो ऑफिस में ऑफिस लेना पड़ेगा एक आउटलेट लेना पड़ेगा ठीक है एक शॉप रहेगा जिसमें गाड़ियां रहेंगी वो सब ऑफिस दिमाग में था लेकिन फॉर नाउ वी हैड एन एरिया वेयर वी कैन पार्क मोर देन 8 to 9 बाइक्स व्हिच वाज मोर देन इनफ and which was in front of our home office था हमारा घर ठीक है literally हम लोग फिर कर रहे एक अच्छे से bikes खरीद लाए दो bike SZR हमने 2 दिन बाद बेच डाली उसमें थोड़े losses आ गए कि जितना खरीदा उतने बिकेगी नहीं बाइक का कंडीशन खराब था। ओके व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉसेस क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम लोग तो स्टार्टअप करते हैं
तो कैलकुलेशन जनरली हम लोग जो करते हैं वो कि भाई अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें कितना हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। लॉसेस का हम लोग ज्यादा कंसिडर नहीं करते। अब ये जो लॉसेस आ गए, कितना अमाउंट का लॉस था, कितना इन्वेस्ट किया, कितना लॉस हो गया, और वो लॉसेस भर के कैसे निकाले। देखो लॉस का एक्सरसाइज है, हम लोग का स्टार्टिंग में 50-50 था लॉस और प्रॉफिट, ओके पार्टनरशिप, ठीक है? नहीं, पार्टनरशिप नहीं, अच्छा लॉस और प्रॉफिट भी पार्टनरशिप 50-50 हो गया था। ओके जितना प्रॉफिट आ रहा है उसका निकल जा रहा है। स्टार्टिंग में तो जीरो प्रॉफिट था एक तरफ से बोले तो, ठीक है, क्योंकि भाई बाइक्स जा रहे हैं उनके, मतलब बोलते हैं कि 2000 किलोमीटर अगर तुम्हारा जल जाता है गाड़ी, ठीक है, तो तुम्हें सर्विसिंग करानी है। हमारा एक गाड़ी एक दिन में 150 से 200 किलोमीटर चलता है, उस हिसाब से तो 10 दिन में एक बार सर्विसिंग करानी पड़ जाएगी। एक सर्विसिंग में मिनिमम 400-500 लग जाते हैं, ठीक है, एक दिन 200 किलोमीटर चला के और हार्डली ही इज पेइंग अस 200 रुपीस, ठीक है, 200 × 10 इट्स 2000, 2000 एक हफ्ता मतलब 10 दिन में 2000, तो उसने हमारा सर्विसिंग में निकल गया, ठीक है। तो मतलब लॉसेस ऑब्वियसली हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना लॉस होगा, अच्छा ठीक है, हम लोग कैलकुलेट नहीं किए थे, बट बाद में ये चीज उसमें ऐड हो गया कि भाई इसमें तो देना ही है, ये तो मैंडेटरी है, अगर हम लोग सर्विसिंग नहीं कराए तो सर्विस कैसे देंगे, गाड़ियां चली कैसे, गाड़ियां चलेगी कैसे, ठीक है। तो बाद में वो चीज इनबिल्ट हो गई खुद ही कि हाँ करवाना तो है ही, तो इसके लिए सोल्यूशन कहाँ से लाए, ठीक है, सॉल्यूशन कहाँ से लाए, सर्विसिंग बाहर कराते हैं 2000 मिनिमम, ठीक है। इस चीज का दिमाग में क्या आता है, हम लोग इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर राइट,